वेलकम बैक टू माई चैनल वैकबन पूजा। सो मैं आज एक नई वीडियो लेकर आई हूँ एक नई जगह की। सो आज हम जाएंगे ग्वालियर, और ग्वालियर के आसपास आप क्या घूम सकते हो, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 3 दिन की आइटनरी ग्वालियर, ग्वालियर से ओरछा और झांसी। आप पूरा ये जगह 3 दिन में कैसे प्लान कर सकते हो, कैसे कैसे आप जगह कवर कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। तो मैं अज्यूम कर रही हूँ कि आप 12 बजे तक ग्वालियर पहुँच जाएंगे। लंच करने के बाद आप जाइए सबसे पहले मोहम्मद गौस और तानसेन का मकबरा। तानसेन, जैसे कि आप जानते ही होंगे, वो एक संगीत सम्राट माने जाते हैं एंड ऑल्सो कंसिडर वन ऑफ द 9 ज्वेल्स इन अकबर स्कूल। ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो वो मोहम्मद गौस का मकबरा है। हु वॉज तानसेन गुरु? यस, तानसेन वॉज वन ऑफ द स्टूडेंट ऑफ मोहम्मद गौस हु ब्रॉट सूफी इन्फ्लुएंस इन हिज म्यूजिक। तानसेन का मकबरा एक सिंपल स्ट्रक्चर है इन द सेम कॉम्प्लेक्स। प्लेस वेयर द सूफी सेंट्स आर बरीड आर कंसिडर्ड वेरी होली एंड ऑल्सो पीपल क्लोज टू द सेंट्स आर बरीड इन द सेम एरिया। सो सिमिलरली यहाँ भी आपको काफ़ी ग्रेव्स दिखेंगे। आप जाइए जय विलास पैलेस, जो कि ग्वालियर के महाराजा जयाजी राव शिंदे ने बनवाया था। आउट ऑफ 400 रूम ऑफ द पैलेस, 40 रूम को वो लोग ने म्यूजियम में कन्वर्ट किया है, और दूसरे पार्ट में अभी भी रॉयल फैमिली वहीं पे रह रही है। ये जो म्यूजियम आप देख रहे हो ना, वो डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस और गैलरीज में डिवाइड किया गया है, जहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट आर्टिफैक्ट्स देखने को मिलेंगे ऑफ द रॉयल फैमिलीज के। ये दरबार हॉल है जो कि पैलेस का मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शन है। दिस इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट चैंडलियर ऑफ द वर्ल्ड। आपको अगर पूरा पैलेस घूमना है ना, तो 2-3 घंटे लगेंगे। उसकी एंट्री फीस है 300 रुपीज़ पर पर्सन, एंड ये मंडे को क्लोज रहता है। डे टू, आप थोड़ा अर्ली स्टार्ट कीजिए। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप जा सकते हो मोरना। सबसे पहले आप जा सकते हो पडवली टेम्पल। बेसिकली ये फोर्ट है जिसमें ये टेम्पल है। यहाँ सिर्फ टेम्पल का एक पार्ट है, रेस्ट ऑल आर रूम्स। जस्ट लुक एट द कार्विंग, दिस इज़ बाय फार द मोस्ट कॉम्प्लेक्स डिज़ाइंस आई हैव एवर सीन। एवरी इंच ऑफ द स्टोन इज़ कार्व्ड इन डिटेल्स। जहाँ जहाँ तक आँखें जाएंगी वहाँ आपको कार्विंग दिखेंगी। मैं ये इमेजिन भी नहीं कर सकती, अगर ये पूरा टेम्पल का स्ट्रक्चर इंटैक्ट होता तो कितना सुंदर दिखता। दिस इज़ फॉर श्योर मस्ट विजिट प्लेस इफ़ यू आर कमिंग टू मोरना। उसके बाद आप जा सकते हो बटेश्वर टेम्पल। देयर आर अ ग्रुप ऑफ 200 टेम्पल्स डिवोटेड टू लॉर्ड शिवा एंड विष्णु। इससे पहले एक साथ इतने सारे मंदिर वो भी एक जगह पे मैंने नहीं देखे हैं। मोस्ट ऑफ द टेम्पल्स में आपको शिवलिंग देखने मिलेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने काफ़ी टेम्पल्स को रिस्टोर किया है एंड अभी भी कर रहे हैं। नेक्स्ट है टूवर 64 योगिनी टेम्पल। ये टेम्पल एक हिल पे है, उसके लिए आपको 100 स्टेप्स क्लाइंब करने पड़ेंगे। इट बिलीव दैट द सर्कुलर डिज़ाइन ऑफ द प्रेजेंट पार्लियामेंट बिल्डिंग इन न्यू दिल्ली वॉज इंस्पायर्ड बाई दिस टेम्पल। ये यहाँ पे 64 शिवलिंग मंदिर हैं। जैसे मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में, पडवली टेम्पल बताया, बटेश्वर टेम्पल बताया, 64 योगिनी टेम्पल है। सो ये 10-15 मिनट की डिस्टेंस की दूरी पे ही है, सो आप उसको इजीली हाफ डे में कवर कर सकते हो। अगर आपके पास में टाइम हो तो आप काकनमठ टेम्पल भी जा सकते हो, जो कि 20 किलोमीटर की दूरी पे है मितवली से। एट द फर्स्ट लुक इट सीन दैट वेरियस स्टोन्स आर स्टैक्ड ओवर वन एंड अनदर। जितना आप इनके पास जाएंगे उतना यू विल फील हाउ यूज द स्ट्रक्चर इज। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट देर इज़ नो कॉन्क्रीट बिल्डिंग मटीरियल इज़ यूज टू कंस्ट्रक्ट दिस टेम्पल। इट्स ओनली द स्टोन प्लेस ऑन द टॉप ऑफ वन एन अनदर। इस टेम्पल को लेके काफ़ी थियोरीज एंड स्टोरीज है, जिसमें से एक ये भी मान्यता है कि यह टेम्पल एक रात में बना था और भूतों ने बनाया था।
लंच करने के बाद आप जाइए ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट जाने के दो रास्ते हैं, एक है उर्वई गेट और दूसरा है गुजरी महल। सो मेरे हिसाब से मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप उर्वई गेट के थ्रू जाइए, क्योंकि आप अपना ओन व्हीकल ऊपर तक लेके जा सकते हैं। ये जो आप देख रहे हो उसका नाम है मन मंदिर पैलेस। तो इस फोर्ट में आपको ऐसे काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट पैलेसेस देखने को मिलेंगे, जैसे कि करण महल, विक्रम महल, जहांगीर महल। सो ये सारे फोर्ट्स के अट्रैक्शन है। और इसकी जो टिकट्स है ग्वालियर फोर्ट की, आप वो ऑनलाइन बुक कर सकते हो। एक दिन पहले आप टिकट बुक कर देना, और ये टिकट बुक करने का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये पूरा फोर्ट घूमने में आपको कम से कम 2 घंटे तो लगेंगे। सो जैसे आप पूरा फोर्ट घूमने के बाद अपोजिट साइड में, ठीक अपोजिट साइड में, ये मैं आपको सास बहू टेंपल, तेलिका मंदिर और गुरुद्वारा, ये आपको अपोजिट एक ही हिल पे है बट अपोजिट साइड में, तो आप वो भी सारे अट्रैक्शंस घूम सकते हो। और ग्वालियर फोर्ट के साथ साथ जो बाकी के अट्रैक्शन है उसकी भी टिकट्स आप खरीद लेना, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हो या वहाँ से भी आप ले सकते हो। ब्रेकफास्ट करने के बाद आप जाइए ओरछा। तो ग्वालियर से ओरछा लगभग 120 किलोमीटर है, और आपको पहुंचने में लगेगा टाइम 2.5 आवर्स फ्रॉम ग्वालियर टू ओरछा। तो जैसे ही आप ओरछा पहुंच जाएंगे तो सबसे पहले आप जाइए राजा राम मंदिर। वो 12:30 बजे मंदिर बंद हो जाएगा, सो पहले आप मंदिर में दर्शन कीजिए। और ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पे भगवान राम जी एक राजा के रूप में पूजे जाते हैं। उसके बाद आप जाइए चित्रभुज टेंपल, और तो वहाँ पे एक मतलब एक रास्ता है जो पतली सीढ़ियों से आप ऊपर जा सकते हो एकदम टॉप पे। सो आप वो चढ़िए और टॉप पे पहुँचिए, आपको पूरे ओरछा का सिटी का व्यू देखने को मिलेगा। उसके बाद आप जाइए ओरछा फोर्ट, जो कि 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट है राजा महल, सेकंड है जहांगीर महल, और थर्ड है शीश महल, जो कि उन लोगों ने होटल में कन्वर्ट किया हुआ है। और जहांगीर महल में ये माना जाता है कि जहांगीर ने एक दिन के लिए विज़िट किया था, उसके विज़िट के लिए उन्होंने वो महल बनाया था। और इसका ऑडियो टूर भी है अवेलेबल, सो आप वो भी कर सकते हो। एंड इसके टिकट्स आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो या वहाँ जाके भी बुक कर सकते हो। आप जाइए लक्ष्मी नारायण टेम्पल। इसका स्ट्रक्चर काफ़ी यूनिक है, अगर आप बाहर से देखोगे तो ये भी एक फोर्ट की तरह बनाया गया है। अंदर आपको वॉल्स में पेंटिंग्स काफ़ी सिमिलर दिखेंगी, जो कि आपने ओरछा फोर्ट में भी देखी होगी। इसके बाद आप शुरू करो रिटर्न जर्नी वाया झांसी। झांसी सिर्फ 18 किलोमीटर की दूरी पे है ओरछा से, एंड यहाँ पहुँचने में आपको सिर्फ 30 मिनट लगेंगे। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम सब जानते ही हैं, तो ये वो जगह है जहाँ से रानी लक्ष्मीबाई अपने घोड़े के साथ कूदी थी। फोर्ट
फोर्ट घूमने के बाद अगर आपके पास में टाइम हो तो आप लाइट एंड साउंड शो भी देख सकते हो, जो उसकी टिकट्स आपको वहीं से मिलेगी। 6 बजे के बाद उसकी टिकट्स मिलनी शुरू हो जाती हैं, सो आप वो भी अटेंड कर सकते हो। सो ये थी 3 दिन की आइटनरी ग्वालियर और उसके आसपास की जगह आप 3 दिन में कैसे घूम सकते हो। अगर आपके पास में 2-3 दिन और हैं तो आप खजुराहो भी कवर कर सकते हो। सो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए इस ट्रिप के बारे में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो या फिर मुझे मेरे इंस्टा हैंडल वैगाबॉन्ड पूजा पे भी DM कर सकते हो। सो ये और ये भी बताना ये वीडियो आपको कैसे लगा। तो थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे न्यू लोकेशन पे। टिल देन बाय, टेक केयर।